Bygg et butikk, du. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। आज का दिन कितना हेक्टिक था ना, सब थक गए होंगे। चलिए खाना खाते हैं। आइए मम्मी जी, बैठिए। बेबे, मैं खाना अपने रूम में ही खाऊंगी। उषा, बेबे, मैं भी रूम में ही खाना खाता हूँ। लेकिन बेबे, क्या आपको भी लगता है आज जो हुआ उसमें मेरी गलती है? मैंने यूवी को वहां बुलाया था। ट्विंकल पुत्र, सवेर से तू काम में लगी और तूने कुछ खाया भी नहीं। चल बैठ बैठ, ये ले खाना, खा। मैं बैठी हूं ना तेरे साथ, मैं भी खाती हूं। मैं जितनी कोशिश कर रही हूँ कि बात को संभाल लूं, किसी तरह मम्मी जी को मना लूं, लेकिन बात उतनी बिगड़ती जा रही। काश कि तुम यहाँ होते कुंज, तो तुम सब ठीक कर देते। अच्छा दोस्तों, आज हमारे गैंग में ना एक नया मेंबर आया। कौन? ये है कुंज। से हाय। हाय कुंज। ये अच्छा सुनो, दोस्ती करोगे ना कुंज से? हाय कुंज। क्या होता तुम्हें? कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट आई है, जल्दी से ठीक हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्यूट है ना ये सब। पहचानते हो, इनकी शरारत अब ज्यादा दिनों की नहीं है। इनके पास वक्त जो नहीं है, इन सबको बहुत ही सीरियस हेल्थ इश्यूज है। इनमें से कुछ को तो लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज है। इनके हाथ में ये कैंडीज देख रहे हो? ये सब इनकी मेडिसिन्स हैं। नन्ही नन्ही गोलियों में थोड़ी जिंदगी और। लेकिन एक बात बताओ, इनमें से किसी के भी चेहरे पर तुम्हें एक शिकन भी दिखाई देती है? हमेशा हंसते हैं, खेलते हैं, मुस्कुराते हैं, मस्ती करते रहते हैं, खुश रहते हैं। जब ये कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? कुंज, जो है ना वो आज है, अभी है, ये पल है। अब इस पल को तुम कितना खुशनुमा बनाना चाहते हो वो तुम्हारे ऊपर है। क्या बात है, कोई बहुत खुश लग रहा है। लगता है जल्दी से जल्दी ठीक होके यहाँ से भागना चाहता है कोई। नर्स, लगता है इन्हें हमारी कंपनी कुछ खास पसंद नहीं है, है ना? जिसकी याद आ रही है उसके पास जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं। कुंज, ऐसे मानना पड़ेगा तुम्हारी पसंद है बड़ी कमाल की। मतलब ट्विंकल बाकी लड़कियों से काफी अलग है, जितनी स्ट्रांग है उतनी पोलाइट भी है। मैं जब उससे मिली थी तो मुझे ऐसा लगा कि
वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत ख्याल रखती है उनका। जानते हो, तुम्हारे लिए, अपनी फैमिली के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। यू आर वेरी लकी। संतोष नगर वाले जो एरिया उसके पास है। देख मॉडल लैला मजनू। अबे लैला मजनू नहीं, रणबीर और दीपिका बोल। क्या बोला मैं? ओए, तुझे कितनी बार बोला है ना, मैं अपने मैटर्स को हैंडल कर सकती हूँ। तुझे मेरा नाइट इन द शाइनिंग आर्मर बनने की कोई जरूरत नहीं, समझा? क्या बोल रहे थे तुम? क्या बोल रहे थे? बोलो दोबारा, बोलो। क्या बोला तुमने बताओ, मैं तुम्हें चलो निकला यहाँ से। सॉरी दीदी। ट्विंकल टाइग्रेस इन फुल फॉर्म। अभी क्या बात कर रहा था फोन पे कि तुझे अनीता आंटी के बारे में पता चल गया, कोई क्लू मिला है? कहाँ है अनीता आंटी? लुक विंकी, ये मेरे और मेरे मॉम के बीच की बात, तो यू स्टे आउट ऑफ दिस। तुझे भी नहीं अच्छा लगता ना कि मैं तेरे मैटर्स में बोलूं, सो प्लीज डू नॉट। मैं पुलिस के साथ मिलके मॉम को हैंडल कर लूंगा, संभाल लूंगा। अच्छा, तू हैंडल करे, तू संभाले जैसे कि हमेशा संभालता हुआ है। ये बात अब तेरी और तेरी माँ की नहीं, ये बात मेरे कुंज की है। उन्होंने मेरे कुंज की, जी नहीं पा रही हूँ अपने कुंज के बिना। तेरी माँ को मैं सजा दिलवा के रहूंगी क्योंकि वो एक क्रिमिनल है। मैं तेरे साथ जाऊंगी, समझा? और तेरा क्या भरोसा, तू फिर उन्हें छुड़वा दे जैसे पहले तूने उनका ब्लेम अपने सर पे ले लिया था। क्योंकि तुझे समझ क्यों नहीं आ, माय मॉम शी इज वेरी डेंजरस, वो कुछ भी कर सकती है। मेरी मॉम, मैं अपनी मॉम को अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो मुझे कभी हर्ट नहीं करेंगी, बट तू, तेरे साथ मैं रिस्क नहीं ले सकता। आई कांट टेक अ चांस। मैं तेरी माँ से नहीं डरती, मैंने कह दिया ना मैं तेरे साथ जाऊंगी। और वैसे तेरा क्या भरोसा, अगर फिर से तेरी नीयत बदल गई और तेरे दिमाग में आया कि तू अपनी माँ को बचा ले तो? लुक, तुझे जो सोचना है तू सोच। सो मैं तुझे एक्सप्लेनेशंस देके टाइम नहीं वेस्ट करना, यू आर नॉट कमिंग विद मी, गेट इट? मुझे पता ही हो तो इतनी आसानी से मुझे लेके नहीं जाए, तो मैं भी जाके रहूंगी। यही वो वेयर हाउस है जहाँ मॉम, पुलिस को तो कॉल कर ही दिया, लेट्स होप वो जल्दी आ जाए और मॉम को अरेस्ट करें। यूवी यहाँ आकर रुका है, इसका मतलब अनीता आंटी अंदर है। मैं जाकर देखती हूँ, आज कुछ भी हो जाए मैं अनीता आंटी को भागने का मौका नहीं दूंगी। यहाँ पे एक हादसा हुआ है, कुंज डूब गया। मेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान लाकर ये औरत यहां बैठ के आराम फरमा रही, कोई शर्म ही नहीं है?
लेकिन मैं भी नहीं छोड़ूंगी इन्हें। अब आपका खेल खत्म अनीता आंटी, आपको कोई नहीं बचा सकता। अनीता लूथरा सरना, जी जींस बेड के साथ मैं पहुंच गया। मैं बाहर ही आपका वेट कर रहा हूँ। मैं अंदर नहीं जाना चाहता, बिकॉज अगर मैं थोड़ी सी भी मॉम को भनक लग गई तो जरूर भागने की कोशिश करेंगे। हम लोग एक प्लान बना के जाएंगे, हम लोग पूरी जगह को अच्छी तरीके से घेर लेंगे और फिर घुसेंगे ताकि मॉम को भागने का मौका भी ना मिले, सोचने तक का मौका ना। ट्विंकल, तू यहाँ? आपको क्या लगा कि आप मेरे कुंज को मुझसे छीन लेंगे और मैं आपको इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? क्योंकि आपने मेरे साथ ऐसा, अपने बदले की आग में आपने मेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। क्यों नुकसान पहुंचाया मेरे कुंज को? क्या बिगाड़ा था उसने आपका? जवाब दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अब आपका खेल खत्म, सारे सबूत आपके खिलाफ, पुलिस आपको ढूंढ रही है और यहाँ आती होगी। यू आर फिनिश्ड अनीता लूथरा सरना। मैंने नहीं मारा कुंज को, आई स्वेयर। वो गुंडों ने मारा था। मिस्टर युवराज, कहाँ है आपकी मॉम? वो भाग गई। लेकिन कैसे? हमारा प्लान तो एकदम परफेक्ट था। उन्हें कैसे पता चला कि हम? पता नहीं, लेकिन अगली बार ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डोंट वरी, अगली बार पकड़ी जाएगी। ठीक है, जैसा भी होगा हमें बताइएगा। जी, पुलिस आपके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करेगी। शुक्रिया। थैंक यू। ट्विंकल, तू टेंशन ना, मैं अपनी मॉम को जेल भिजवा कर ही रहूंगा, आई प्रॉमिस। और ये जो गुनाह उन्होंने किए उसकी सजा उनको मिलकर देगी। बट ये जो अभी तूने स्टंट किया ना, ये वाला, ये प्लीज बंद कर दे। अगली बार कुछ भी ऐसे स्टंट नहीं करेगी। देख ट्विंकल, अभी तेरी फैमिली ने कुंज को खोया है, सो आई जस्ट डोंट वांट एनी ट्रबल्स नाउ। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। युवराज,
पहले जब बाहर जाती थी तो कम से कम हमको बता के जाती थी या पूछ के जाती थी। घर की बहू का इतनी रात तक बाहर रहना मुझे ठीक नहीं लगता है। उषा वो खाम खा टेंशन ले रही, हो सकता है वो कल वाले क्लाइंट के पास गई हो बात करने, और तू तो जानती है ऐसे काम में वक्त तो लगता ही है। हाँ है पर अरे लगता है ट्विंकल आ गई, मैंने कहा था ना वो आने ही वाली होगी, मैं देखती हूँ। बेकार में टेंशन लेती है। ट्विंकल कहाँ जा रही है? कर ली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी या फिर अब छोटे बच्चे की तरह मेरा हाथ पकड़ के मुझे घर के अंदर छोड़ने आएगी? मैं अपने घर के अंदर जा सकती, बॉडीगार्ड बन के अंदर आने की जरूरत नहीं है। जाए जा रहा हूँ। प्लीज दोबारा अपने आप को प्रॉब्लम में मत डालिए। इवन प्रॉब्लम नीड्स अ ब्रेक, उसी भी एक ब्रेक की जरूरत होती है ना। उषा ठंड रख, इतनी जल्दी नतीजे पे नहीं पहुंचते। अरे उसे बोलने का मौका तो देना, आने तो दे उसे। रुको, ये कोई वक्त है घर आने का? एक फोन करके नहीं बता सकती थी कि तुम देर से आने वाली हो? कब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन घर की बहू है जिसे वक्त का तो कोई होश ही नहीं है। मम्मी जी मुझे पता है आप भले ही मुझसे कितना नाराज हो, लेकिन आपको हमेशा मेरी यूपी से मिलने गई थी ना, उसी के साथ थी ना तुम अभी तक? क्यों मिलने गई थी उससे? मम्मी जी मैंने यूवी को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना कि उसे पता है अनीता आंटी कहाँ छुपी हुई है, उन्हें पकड़वाने के लिए गई। क्यों? तुम्हें क्या जरूरत थी उसके साथ जाने की? अनीता को पकड़ने के लिए पुलिस है ना, उन्हें उनका काम करने दो। बात पे तुम्हें अपनी टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? पिछली बार भी जब पुलिस ने यूवी को अरेस्ट किया था तुम्हें जाकर उसे जेल से छुड़वाया था। ये बेटे के कातिल को रिहा करवा दिया तुमने। अब प्लीज पुलिस को अपना काम करने दो, और इस मामले में तुम अपना दिमाग ना ही चलाओ तो बेहतर होगा। वैसे भी तुम्हें सिर्फ काम बिगाड़ना आता है। आज शाम तक उनको सारा हिसाब भेजना है। हाँ लिखा हुआ है। कर्टन जी, मैं बात करती हूँ। क्या बात है उषा, की गल है? तू इतने गुस्से में क्यों है? किसका फोन है? मम्मी जी बेबे देख के, मैं कुंज के कॉलेज से उसके सारे सर्टिफिकेट्स क्रेडेंशियल्स। कुंज के कॉलेज में तुम्हारे साथ यूवी क्या कर रहा था? ट्विंकल ने कुछ गलत नहीं किया।
उसने आपके परिवार की मर्यादा नहीं तोड़ी। आंटी मैं जानता हूं आप मुझसे नफरत करती हैं, आपको मेरी शक्ल बिल्कुल पसंद है। चले जाओ यहां से, चले जाओ। आंटी आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आई प्रॉमिस मेरी मॉम ने जो गलतियां करी उनको सजा मैं दिलवा कर रखूंगा। और हाँ, आप नहीं चाहती ना मैं ट्विंकल के आसपास रहूं, तो ठीक है, मैं ट्विंकल के आसपास आपको दिखूंगा भी नहीं, कभी नहीं, आई प्रॉमिस। बट प्लीज प्रॉमिस मी आंटी, उसके कैरेक्टर को कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे। और जब भी आपको कभी गुस्सा आए ना, आप प्लीज मुझे मार लीजिएगा, पर प्लीज ट्विंकल को कुछ मत करिएगा, प्लीज। उषा आंटी का अपसेट होना लाजमी, आई कैन अंडरस्टैंड, प्लीज आई एम वेरी वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए अगर हो सके तो। ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, उसका भी उतना ही है जिसकी वजह से मैं आज यहां खड़ा हूं। माई लवली वाइफ मिसेस ट्विंकल कुंज सरना, दिस इज फॉर यू ट्विंकल। मैंने कभी नहीं सोचा था कुंज कि मुझे तुम्हारी यादों के सहारे जीना पड़ेगा। बहुत याद आती है तुम्हारी, और आज जो कुछ भी हुआ ना उसकी नौबत नहीं आती अगर तुम यहां होते, मेरे साथ होते। जगह तुम्हारी यादें, वापस आ जाओ प्लीज, प्लीज वापस आ जाओ कुंज। कुंज कुंज आई एम सो हैप्पी फॉर यू, आई हैव अ ग्रेट न्यूज, मुझे तुम्हारी सर्जरी का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। अब एक हफ्ते बाद तुम्हारी सर्जरी होगी और फिर तुम और ट्विंकल फिर से एक बार एक हो जाओगे। तुम अपने घर जाने वाले हो कुंज, सो हैप्पी फॉर यू। कुंज क्या कर रहा है? खाना बना रहा है? इसके हाथ में इतनी चोट लगी हुई है, खाना कैसे बनाएगा? मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, आफ्टर ऑल इसने भी मेरी काफी हेल्प की है। ओह माय गॉड, नॉट अगेन। ए ट्विंकल के प्लीज बाबा जी प्लीज, जो शक्ति दी थी कि मैं इस लड़की को झेल सकूं, इसे हैंडल कर सकूं, इसे डील कर सकूं, प्लीज।
प्लीज यहाँ से यू टर्न ले ले एंड गो बैक। अरे मैं तो तेरी हेल्प करने। अरे अपने रूल बुक्स में से अपना रूल नंबर वन खुद तोड़ दिया तू। वाह सुन ले तू, मुझे तेरे हेल्प की कोई जरूरत नहीं, और हाँ मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। याद आया ऐसी कुछ लाइंस बोली थी ना तूने? अब देख जैसे तुझे मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है वैसे मुझे भी तेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं, सो थैंक यू, आई कैन मैनेज। ओके टाटा बाय बाय। हेल्प की कोई जरूरत नहीं, वो तो दिख रहा है कि कितने अच्छे से मैनेज कर सकते। जिंदगी में कभी पानी का ग्लास तूने उठाया नहीं और तू खाना बना रहा है, ऐसा खाना बना रहा है कि हम सब नेबर्स डिस्टर्ब हो रहे, इसलिए आई थी मैं तेरी हेल्प करने। ओ अच्छा, और तेरी वजह से जो मेरा ब्रेन डिस्टर्ब होता है उसका क्या? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।